हेलो स्टूडेंट, आज आपके सामने फिर से मैं फास्ट कैलकुलेशन का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूँ। वैसे भी अगर आप इस चैनल पर स्टे हैं, हर एक वीडियो को देखते हैं, तो आपको इस सीरीज का, फास्ट कैलकुलेशन की सीरीज का आपको वीडियो मिल चुका होगा। मैं इसके पहले एडिशन का, सबट्रैक्शन का दो दो तीन तीन पार्ट, सभी में का कुल मिलाकर के पाँच या छः पार्ट चला गया है। आज हम पहुंचे हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा पर पहुंचे हैं, क्योंकि गुणा सिखाएंगे तो आपको हो सकता है माइनस नहीं तो प्लस की जरूरत पड़ेगी, यानी एडिशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप पुरानी वीडियो को, इस मतलब पुरानी क्या, इसके पहले की भी पार्ट को देख लीजिए। एडिशन वाला पार्ट मतलब जोड़ वाला पार्ट, आप जोड़ वाला पार्ट देख लीजिए ना, बहुत मजा आएगा। ये आप मत सोचिए ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है दिमाग में करने का। जो जोड़ करते हो, जो घटाना करते हो, वो सारे आप माइंड में करना सीखोगे, वो चीजें उसमें सिखाई गई हैं। थोड़ा सा आपके लिए मैं हिंट देता हूँ एडिशन का, क्योंकि अभी आपके लिए मल्टीप्लिकेशन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हिंट देता हूँ। जैसे कि देखिए, आपके लिए है 45 + 28, ऐसे है ना। तो कैसे इसको लगाना है, इसको इस तरीके से देखना है, इस नजर से देखना है। जब कभी भी दो अंकों को जोड़े, पहले एक अंक वाला देख लीजिएगा, जैसे 8 है और प्लस 5 है, पहले इनको समझिए, ये एक अंक, ये दो अंक। ठीक, जब एक अंक आ रहा है तो कैसे जोड़ना है, आपको हमेशा देखना है कि ये संख्या जो है जोड़ने पर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कहने मतलब जैसे 2, 4, 5, 6, 8, 9 ऐसे जोड़ना, इसी तरीके से 8, 5 है तो ये 13 होगा, आपको पता है ये क्या होगा, 13। और ये 13 हो रहा है तो इसको आप दो पार्टों में विभाजित करना सीख लीजिए, 1 10 में 1 3, ये चीज सीखना है आपको। अब जब दो डिजिट आप जोड़ेंगे, ठीक है, 1 1 डिजिट वाली संख्या को अगर आप दो संख्या जोड़ेंगे, 1 डिजिट वाली दो संख्या को जब जोड़ेंगे, तो हमेशा अगर आपका दो अंक आ रहा हो, जैसे कि 13 में दो डिजिट आ रहा है, इसमें का पहला जब 10 से ज्यादा है तो वो आप 10 उसमें से अलग कर लीजिए। कोई भी आप पता है, जब 1 डिजिट की मतलब एक अंक की दो संख्याएं अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पक्का 20 के नीचे ही संख्या आएंगी, उससे बड़ी तो आएंगी नहीं। यानी आप फुल फुल जोड़ करके देख लीजिए, 9 एंड 9, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, अभी भी 19 नहीं हुआ है। ठीक, तो आप एक एक संख्याओं को, अगर एक एक संख्याओं, एक अंक वाली संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा वो दो अंक का ही बनेगा, और दो अंक का बनेगा वो 20 से कम ही बनेगा, यानी 19 से कम ही बनेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, हमेशा 10 अलग करके समझना है, क्या 10 अलग करके समझना है। यही बात दिमाग में अगर आपके बैठ गया तो समझो काम हो गया है, 10 अलग करके बैठना है। जैसे मैं बोलूं 15, तो 15 में आप 10 और 5 अपने माइंड में 10 और 5 उसको देखिए, 15 जब भी आ रहा था उसको 10 और 5 की नजर से देखिए, 18 तो 10 और 8 की नजर से देखिए, 13 तो 10 और 3 की नजर से देखिए। ये दिमाग में सब सारी चीजें देखना है, ठीक है, ये चीज समझ गए ना। तो इसको आप देखिए इसी नजर से, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और एक अंक आपने छोड़ा है, अभी पता है इसके बाद एक एक अंक का सारा काम हो रहा है, इसलिए आप इसको 0 मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, 0। यानी इसको हमने दिमाग में किया कि ये 4 और 2 0 0 ऐड होगा तो पता होगा क्या होगा, तो 4 और 2 6 होगा, 0 मतलब, यानी कि अगर हम समझे तो ये 40 था, ये 20 था, तो 60 ही होगा। और लेकिन समझना नहीं, आपको ये देखना कि 4 और 2 6 हुआ और 0 लगा दिए, 60 हो गया। और इसको देखा मैंने, 8 5 13 यहाँ पर लिखा है, 8 5 13, 13 को मैंने, मुझे पता था कि जब एक संख्या को जोड़ रहे हैं, जब भी 10 के बाहर आ रही है, 10 और 19 के बीच में संख्या आ रही है, तो उसमें हमें 10 को अलग करके और जो बच रहा है उसको अलग करके ही देखना है। तो यहाँ पर हमारा 13 आ रहा है, 13 में 10 और 3 दोनों अलग अलग करके देख रहे हैं। तो ऐसे करने से आपको क्या होगा कि हमेशा आपका 10 ऐड होगा, जो भी संख्या जोड़ेंगे उसमें 10 ऐड होगा। जैसे यहाँ पर देखे 60 जोड़े हैं तो 10 70 3 73 हो गया, ये क्या होगा, 70 3 73, मतलब इसको दिमाग में ऐसे करेंगे, देखिए 4 2 6 और पता है कि 8 5 13 10, अब देखिए 4 5 6 पता है कि ये 60 हुआ, और ये पता है कि आपका 10 3 13 यही हुआ ना, 10 3 13, इसको हमने समझा था 8 5 13 10 3 13, जिसको दिमाग में समझे थे दिमाग में, तो 60 10 70 3 73 ऐसे आपको दिमाग में करना है, इसका आंसर 73 आ जाएगा। ठीक है, दो अंकों का मैं अगर यहीं पर लिखता कि आपका ये
72 प्लस 84 ऐसे है, तो आपको इसको जोड़ना है, तो कुछ भी नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखिए, 8 7 15 मतलब 150 और 2 6, ठीक यही काम करना था, यही काम करना था। 8 7 15 1 0 बढ़ाते थे तो 50 होता, और 2 4 6 ही होता, 2 अंक है ही नहीं, तो उसको ऐसे ही ऐड कर दो। संयोग से अगर ये इस तरीके से होता, ये आपका 9 होता, क्या होता 9। तो दिमाग लगाइए कि 9 4 13 होता, और 13 जैसे हुआ हमें 10 अलग करना पड़ेगा, और 10 हम जैसे अलग करेंगे, 150 में 10 जोड़ेंगे तो 60 होगा, और 60 1 61, यहाँ पर 9 4 13 था ना, 60 3 63 होगा, मतलब इस तरीके से 9 4 13 8 7 15 1 16 हुआ वही। तो आपको ये इस तरीके जोड़ना, वो वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझेगा। अब हम पहुंचते हैं गुणा पर, क्योंकि गुणा में वो चीजें काम आएंगी, ये जोड़ करेंगे ना तो आपको आसान पड़ेगा गुणा में। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका 64 गुणा 3 है, 12 गुणा 4 है, ये पहले छोटा छोटा ले लो, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आपका ठीक, इसको हम पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम सारी चीजें पहले लिख लेते हैं, ठीक, ये चीजें लिख दिए हैं। अब इसको तेजी से करना है, अभी आप ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो आपको पता है कि इसको हम इकाई अंक में पढ़ते हैं, ऐसे 3 चौके 12 3 1 3 ऐसे पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ते हैं, तो इस तरीके से ना पढ़ना, पढ़ना कैसा है ये देखिए, इसको जोड़ आपको आना चाहिए। देखिए हम क्या करेंगे, 3 1 3 इस तरीके से करेंगे, 3 गुणा 1 करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, और इसको 4 3 12 हो जाएगा, ये अगर हम इसको करते 4 और 3 का गुणा करते तो ये 12 होता। तो दिमाग में आप एक बार ये लगाइए कि ये 3 है और ये 12 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें अगर कैरी है तो देखने, इसमें हमारा ये पूरा जो 12 आ रहा है, तो इसको मैं पूरा लिखना नहीं है, इसमें का केवल 2 लिखना है, ठीक है, और ये वाला एक इसमें लगाना है, ठीक, बस यही काम करना है। तो अब ये दिमाग में बैठाइए कि ये तो करते तो आप, तो मैंने क्या किया, यहाँ 3 1 3 तो इसको 3 मान न करके इसको 0 मानेंगे, इसके आगे जैसे इसके पहले में 0 आपने माना। अब दिमाग लगाइए कि अभी इसको आपने किया 4 3 12, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 30 प्लस 12 दोनों को जोड़ेंगे। अब जोड़ वाला काम वही आ गया कि यहाँ पर कैसे होगा, 3 1 4 2 42 हुआ ना, 42। इसको करिए, इसको करना है तो कैसे करेंगे, वही काम है, यहाँ पर 1 7 का गुणा करेंगे तो ये 70 आ जाएगा, दिमाग बैठाइए, 1 7 का गुणा करेंगे 70 आ जाएगा, और ये 2 7 के 14 और 70 में 14 जोड़ेंगे 84 आ जाएगा। बात समझ में आई कैसे हमने जोड़ा, दो जो दोनों का जो गुणा करें उसका जोड़ करें, जोड़ आप इस तरीके से करेंगे जो आपने पहले सीखा है उस तरीके से, यानी इसमें आप ऐड करना सीखना है। अब यहाँ पर करेंगे 9 और 1 का गुणा करेंगे तो ये 90 होगा, और 9 8 72 होगा, दिमाग लगाइए ये आपका 72 होगा, यही तो होगा। अब इसको जोड़ना तो आपको पता है उस तरीके जोड़ा, कैसे जोड़ा जाता है, 1 8 9 8 17 होता, दिमाग लगे 17 में आप 0 लगा देंगे और ये 2 आपको ऐड कर देंगे फिर से लाके, 172 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए, गलती कुछ किए हैं बताइए, कि कोई किसी को पकड़ में आया, यहाँ पर देखिए 9 और अगर आपका सॉरी जोड़ रहे थे ना ये वाला, हाँ ठीक है, 9 7 16 हुआ था, 160 किए थे, 2 इसको किए थे, तो हाँ कुछ गड़बड़ किए थे क्या, हाँ तो कमी इसमें हम क्या जोड़ दिए थे, 7 बढ़ा दिए ज्यादा, 9 7 16 हुआ, सॉरी क्रम इसे चेंज कर दे, यहाँ पर 9 7 16 हुआ, 160 हुआ था, और ये 2 यहाँ पर मैंने एक अंक बचा था ना, तो 2 इसको और ऐड करेंगे, 2 ऐड कर दिए, हम ज्यादा ले दिए थे थोड़ा, सॉरी गलती के लिए। तो अगला हम करते हैं इसको,
चार दूना आठ करेंगे यानी 80 होगा, प्लस अगर इसको करें 6 चौक 24 होगा, और इसको ऐड करना सीखेंगे तो हमें पता है कि 8 8 और 2 10 और 4 104, ये हो गया। इसको करेंगे आपको पता है 7 3 21 110 हुआ और 8 7 56 होगा, दिमाग में लगाइए 56 होगा, और इसको जोड़ना होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 21 और 5 करेंगे तो आपका क्या होगा, 21 और 5 हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 21 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, और ये वाला भी 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं तो इसको देखिए 8 चौका 32 हो गया यानी कि 320 हो गया, और प्लस इसको करेंगे 8 दूना 16 ये हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32 1 33 आपका हो जाएगा, और एक जीरो आपने बढ़ाया, दिमाग में बढ़ाया है, यहाँ पर आपको 6 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा। इस तरीके से और करेंगे तो यहाँ पर आपका 5 और 9 का गुणा तो 5 9 45 होगा, और जीरो इसमें लगा देंगे, प्लस 9 6 54 आपका ये हो जाएगा, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो पता है 45 5 आपका 50 होगा, और 50 में 4 जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पर कुछ गलती किए थे, एक अंक और 500 होना था तो हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 7 आप 7 2 का पढ़ेंगे तो 7 2 14, और इस तरीके से ये आपका काम था। ठीक है, यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं, नहीं कर देते हैं, 7 2 14 140 हुआ, और प्लस यहाँ पर 16 हुआ, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 14 1 15 हो गया, और ये 6 और ऐड हो गया। दिमाग में बैठा कुछ, बस इस तरीके से दिमाग में बैठा के चलना है, अगर इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा तेज होगा। ये दोनों आप क्या करना, कमेंट में दे देना। थोड़ा बड़ा गुड़ा पे चलते हैं, इससे बड़ा 2 अंकों वाली गुड़े की, ठीक है, 2 अंकों वाले गुड़े पे चलते हैं और दिमाग में इसको करते हैं। बहुत सारे हमने ट्रिक्स वाली चीजें लगाई हुई है, पर आज कंसेप्ट वाली चीजें बता रहे हैं। ये सीरीज आप स्टार्ट कर लीजिएगा, इस क्लास को, इस प्लेलिस्ट को आप पूरा देखिएगा। जैसे यहां पर है, पहले छोटी छोटी संख्याओं करते हैं, यहां पर है आपका ये, ठीक, अब इसको अगर हम हल करेंगे, एक दो और ले लेते हैं, ठीक, अब इसको करेंगे 2 अंक वाला, दिमाग पहले लगाइएगा, ये 12 और 16 को कैसे करना है, 12 और 16 को नजर से देखना है, ऐसे नजर से आप लगाते हैं तो अब इसको आप ऐसे ही नजर से कैसे दिमाग में करना है ये पहले दिया, ये इसको 12 और इसको 16 ऐसे किया जाएगा। ठीक है, स्टेप के बाद समझना, बाकी आपको इसको बाद में दिमाग में सारा चीज करना है। कैसे, देखिए इसको करना है इस तरीके से, 6 दूना 12 करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा, 6 दूना 12 होगा, 12 की आपका 2 होगा यानी कि 2 यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, एक कैरी बचा के रखेंगे दिमाग में उसको बचा के। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको 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 करना है, 6 1 6 2 2 6, मतलब 6 होगा ये, 2 1 2 हुआ ये, दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 2 8, और ये वाला 2 भी जोड़ लेते हैं जो कैरी बचा था, सॉरी यहाँ पर जो एक बचा था इसको भी जोड़ लेते हैं, तो ये बताइए 6 2 8 है 9 होगा, क्या हुआ 9, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 9, और 1 1 के 1 हुआ और कुछ भी नहीं जोड़ा, ये हुआ। अब इसका अगर हम चेकअप भी करेंगे तो वैसे ही होगा, देखिए 16 2 32 2 हुआ, 16 1 के 16 और 3 19 हुआ। ठीक, तो ये दिमाग में करना है, ये तो समझाने के लिए इतना टाइम लगा, हम समझाएंगे इसको नहीं, केवल आपको इसको करना है। ठीक, तो कितना अब कैसे इसको दिमाग में करेंगे, पता है कैसे करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 6 दूना 12 की 2 करेंगे, ये पता होना चाहिए, उसके बाद क्या करना है, 6 दूना 12, तो अब इसका संख्या, अभी आपने इसको सीधा सीधा किया था, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये दोनों जो संख्याएं दिख रही हैं, आपने जब इसको 12 और 16 लिखा था, दिमाग लगाइए तो तिरछा जब करेंगे तो क्या होगा, इसमें की पहली संख्या इसमें की दूसरी संख्या होगी, याद करना, और इसमें की दूसरी होगी तो इसमें की पहली होगी, ऐसे दिमाग लगाना है, तो इसमें की आपकी पहली है तो उसमें की दूसरी होगी, ठीक है, उसमें की दूसरी मतलब बाहर बाहर अंदर अंदर, दिमाग लगाया, दिमाग लगाना, ठीक है, पहले क्या करना है, पहले बाहर बाहर को कर देना है, मैंने पहले बाहर बाहर को किया, फिर क्या करना है,
अंदर अंदर बाहर बाहर, फिर क्या करना है, अंदर अंदर। बात समझ में आई? इस तरीके से करना, जैसे देखिए पहले हमने बाहर बाहर किया, पहले हमने बाहर बाहर किया तो देखिए ये दोनों बाहर ये भी बाहर, दो बाहर दो, तो 6 × 12 = 2 हो गया। ठीक, अब एक अंदर एक बाहर, यहाँ पर 2 × 1 = 2, 6 × 6 = 6, 2 × 2 = 6 × 6, 2 × 2 = 6 × 6, तो 6 × 2 = 8 और 1 इसमें का कैरी 8 × 9 हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब अंदर अंदर, हमने बाहर बाहर किया अब अंदर अंदर करेंगे, तो 1 × 1 = 1 हुआ था और वही 1 आ जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे यार, काहे को टेंशन ले रहे हो आप, ट्राई तो करना चाहिए आपको। देखिए हमें अब इसमें यही पर करना सीखेंगे, ऐसा नहीं इसको लिखना नहीं है, बहुत लोग बताते हैं इसको लिख करके बताएंगे, लिखना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ आपको अगर कठिन लग रही है तो प्रैक्टिस के बिना तो नहीं आएगी, प्रैक्टिस जरूरी है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इस तरीके से 100 सवाल बना लेंगे जितना तेज हो, जितनी सवाल आप बनाएंगे उतना तेज होगा, ये मान के चलिए। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला था सबसे पहले बाहर बाहर, फिर एक अंदर, अंदर बाहर मतलब पहले बाहर फिर अंदर अंदर फिर उसके बाद आपका अंदर। देखिए बाहर बाहर हमारा क्या है, 1 × 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 1 = 4 हो गया, एक अंदर एक, अंदर अंदर बाहर बाहर, ये दिमाग लगाना है, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो 3 × 3 = 4 × 8, 3 × 3 = 4 × 8, तो 8 × 3 = 8, 3 = 11 और इसमें कुछ नहीं था तो 11 की 1 कैरी बच रहा है, उसको दिमाग बैठाइए। यहाँ से अब करना है 2 × 3 = 6 = 1 = 7 हो गया, 714 हो गया। क्या सही है, क्या राइट है, बताइए, दिमाग लगाइए क्या सही है कि गलत है आप भी। ठीक, करेंगे तो सही होगा, ऐसा नहीं है। तो 21 चौका अगर करेंगे तो पता है कि आपका 84 को 4 हुआ, कैरी 8 हो जाए। फिर हम करेंगे 21 तिहाइयां करेंगे, कितना 21 तिहाइयां, तो कितना होगा आपका 63। अब उसमें हमें कितना जोड़ना था, 8 जोड़ना था, 7 × 1 = 8 मतलब 71 हो गया, मतलब सही है। तो अब इसको क्या करना है, कैसे, मैंने बोला पहले बाहर बाहर 56 × 30 = 0, 3 बच रहा है, दिमाग बैठाना, ऐड करना है। अब इसको क्या करना है, अंदर अंदर बाहर बाहर 6, देखिए इसको 5 × 5 = 6, 6 × 6 = 24, 24 × 5 = 29, 24 × 5 = 29, 24 × 5 = 29, और इसमें कैरी था उसको दिमाग में, 24 × 5 = 29 और इसमें कैरी जो था 5 × 6 = 36 था, 24 × 5 = 29, 29 × 3 = 29, 29 × 3 ये 32, 32 × 2 = 3, फिर यहाँ पर देंगे 4 × 1 = 4, 3 = 7, 720। ठीक, क्या सही है, बताइए क्या सही है कि गलत है, दिमाग में लगाइए, कच्चे ही चेक करते हैं। 16 × 5 = 80 = 0, 8 आया और 16 × 6 = 64 और 64 में 8 जोड़ेंगे तो ये आएगा, हुआ है सही। इसको फिर से करते हैं, अंदर पहले बाहर बाहर, तो 4 × 0 = 4, ओ सॉरी 4 × 0 = 4, 0 हो गया। उसके बाद अंदर बाहर दोनों करेंगे तो 8 × 0 = 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो 3 × 12 = 2 हो गया। उसके बाद हम यहां से करेंगे 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24 और 1 इसमें था 25, ये हुआ। ठीक है, दूसरा तरीका था ये कर सकते हैं, 3 बाढ़ा पड़ेंगे 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा दिया, 3 चौके, देखिए 3 × 12 = 2, 3 × 8 = 24, बात वही है, थोड़ा सा तेज करेंगे और दिमाग लगाइएगा। ये 3 × 3 ये हुआ, उसके बाद देखिए 9 × 3 = 27, देखिए 9 × 3 = 27, 4 × 4 = 27, 4 आपका कितना होगा 31, और यहाँ पर जो कैरी था कुछ नहीं था, 31 से 1 कैरी 3 आया। उसके बाद 9 × 4 = 36, 36 में आपका फिर से कितना, 3 कैरी था, याद था ना 3 कैरी था, ठीक है, कितना था याद नहीं है, चेक करिए, देखिए 3 × 3 ये तो हुआ था, कोई कैरी यहाँ पर नहीं था। इसको जो हमने किया था बाहर बाहर अंदर अंदर, तो देखिए 4 × 4 = 4, 9 × 3 = 27, 27 × 4 = 31, कैरी 3 था। अब यहाँ पर 9 × 4 = 36 और 36 में जैसे ही 3 जोड़ेंगे तो आपका 39 हो जाएगा, हो गया ना, ऐसे करना है फास्ट, अब दिमाग में करने के लिए बहुत तेज हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए ये जो है पहले मैंने बोला अंदर अंदर बाहर बाहर, तो ऐसे करेंगे उसी तरीके से, तो यहाँ पर इसको करेंगे पहले 6 × 6, ठीक है, ये 6 × 6 के कोई कैरी नहीं पता है, यहाँ पर आपका अंदर बाहर दोनों करेंगे तो 8 × 6, देखिए बड़ी संख्या चेक करें तो 8 × 6 = 48 और 1 × 1 = 1, 8 × 48 = 1 × 1 = 1, तो 48 × 49 हो गया, 48 × 49 हो गया। उसके बाद कोई कैरी नहीं था, 9 है, कैरी 4 बचा हुआ है। अब यहाँ पर 8 × 1 = 8, तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे, 8 × 4 = 12, 1296। इस तरीके से करना है आपका, 2 अंकों तक गुणा मैंने बता दिया, इसके बाद 3 अंक 4 अंक हो सकता है, वो अलग वीडियो होगा, लेकिन यहाँ पर यही तक था, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यही तक था। तो हमारे और इसके पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही आपको अच्छा इफेक्टिव आपको रहेगा। तो पूरा चैनल पर बहुत सारी प्ले लिस्ट देखिए, हजारों
1500 से ज्यादा वीडियो पड़ी हुई, जरूर आप देखिएगा, आपके लिए मनपसंद वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, सारी चीजें बेसिक हम बताते हैं। और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, चाहे टेलीग्राम चाहे चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, सारी चीजें। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा। इसके बाद गुड़ा के बाद डिवीजन लेकर आएंगे, वर्गमूल लेकर के आएंगे, सब आएंगे और कॉन्सेप्ट फर्स्ट कैलकुलेशन के साथ रहेगा।